वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु रामदास जी, धन बाबा दीप सिंह जी, सत्संग जी। जिमें गुरु रामदास जी दे बाबा दीप सिंह जी दे सारे संगत रूपी परिवारक मैंबरां नूं पता है कि 7 जून तो 16 जुलाई तक 40 दिन का अमृत वेले का समागम दाताबंदी छोड़ पब्लिक स्कूल राम तीर्थ रोड बाबा दीप सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट श्री अमृतसर साहब विखे प्रारंभ हो चुकिया है। मेरी सारे परिवारक मैंबरां दे चरणों च सनिमर बेनती है प्यारे, जिन्हां जिन्हां ने अजे तक हाजरियां भरनिया नहीं शुरू कीतियां आके परिवारां समेत हाजरियां लाओ। मैं जिवें पहले कहा सी, भावें अमृतसर साहब किराए ते मकान लै लो, भावें रिश्तेदारां दे घर आ जाओ, पर यह 40 दिन का नेम सारिया ने भुगतावना ही भुगतावना। मैं गुरु पिता जी की गोदी च बैठा है, बेनती कर रहा, एक कुछ दिन ही अजे होए ने अमृत वेला प्रारंभ होया नूं, और संगतां मैनूं मिल रही जिन्हां ने हाजरियां भरियां कि गुरु रामदास जी ने बख्शिश का खाता खोलिया, साडा आ कारज सिरे लाता, साडा आ कम सवार दिता। आओ भागां वालिओ, अमृत वेले हाजरी भरन दे विच कोई भी जो आलस ना करे। गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी ने जंग दे मैदान दे विच भी अमृत वेले दा नेम नहीं छड्डिया। गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी अज निमाणिया दे मान, नितानिया दे तां, न्योटियां दी ओट, न्यासरियां दे आसरे गुरु अमरदास बने ने। सदके 12 साल अमृत वेले गुरु अंगद साहब सच्चे पातशाह जी नूं इशनान कराउण दा सदका, नेम करन दा सदका। आओ गुरु पिता दीआं खुशियां लैण दा वेला है, और जिहड़ियां संगतां दूर दरेडे तो आने वाली ने तरन तारण साहिब ज उधरले इलाकों तो पिंडों तो ज अमृतसर शहर तो आने वाली संगत ने, उन्होंने लिए रोजाना अमृत वेले 2 बजे बीबी कौलां जी भलाई केंद्र तरन तारण रोड श्री अमृतसर साहिब और बाबा दीप सिंह जी का जो गुरद्वारा साहब चाटीविंड चौंक तो भी रोजाना अमृत वेले 2 बजे बसों का गड्डिया का प्रबंध किया गया, जड़िया गड्डिया राम तीर्थ रोड विखे संगत नूं लै भी आउणगियां और वापसी छड भी देणगियां। इह हलूणा हरेक नूं दे दिओ, इह मेरी बेनती है प्यारिओ। आओ पुठे कर्म सिद्धे करवाउण दा वेला है, गुरु पिता दीआं खुशियां लैण दा वेला है। सारी संगत आलस दा त्याग करके अमृत वेले नूं संभालो, और अमृत वेले उठण दे विच भावें कोई कीर्तनी है, भावें कोई महापुरख है, भावें कोई कीर्तनी दा प्यो ही क्यों ना होवे, किसी नूं भी माफ़ी नहीं। ये मेरी बेनती है, परिवारों समेत हाजरियां भरो और प्रतख गुरु रामदास कोलों बाबा दीप सिंह कोलों दातां लुट के लै जाओ। ये सारा प्रोग्राम रोजाना ही साडे यूट्यूब चैनल भाई अमनदीप सिंह जी ऑफिशियल चैनल दे उत्ते लाइव दिखाया जा रहा है। इस मैसेज नूं वध तों वध शेयर करो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन गुरु रामदास जी, धन बाबा दीप सिंह जी। गुरु रामदास जी दे बाबा दीप सिंह जी दे सारे संगत रूपी परिवारक मैंबरां नूं अज मैं वधाई देण वास्ते तुहाडे सन्मुख होया। जो बाबा दीप सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट अड्डा गोपालपुरा बटाला रोड यूनिट नंबर 3 20 तरीक नूं जो उहदी रजिस्ट्री सी, गुरु पिता जी ने कृपा की है, सारी संगत ने असीस दित्ती। जो अद्धी पेमेंट गुरु जी की कृपा दे नाल जा चुकी, जो तुसीं किणका देते हो, क्योंकि बहुत वड्डी रकम बन जाती, 25,000 गज है और 2500 रुपए गज की सेवा, तो अद्धी पेमेंट जिहड़ी उहदे लई असीं उहनां कोलों 3 महीने का होर टाइम लिया। ये रजिस्ट्री जिहड़ी 20 अप्रैल नूं होनी सी, अद्धी पेमेंट चली गई, हुण जिहड़ी अद्धी पेमेंट है वह 20 जुलाई तक असीं उहनां नूं देनी है, और फिर उस तों बाद इस जगह की रजिस्ट्री होएगी। जिहड़े जिहड़े प्रेमियां ने बहुत सहयोग दिता तुहानूं भी, और जिन्हां ने अजे तक सहयोग इस भूमि दान विच हिस्सा नहीं पाया, तुहानूं भी मैं बेनती करदा, आप जी वध तों वध जोर लायो तां जो यह रजिस्ट्री 20 जुलाई तक हो सके। और तुहानूं दसदिआं होइआं मैनूं खुशी महसूस हो रही है कि जो जी दे प्रवान पार्क जो महाराज जी की कृपा नाल बन रहा, बिल्कुल हुण थोड़ा जिहा कम रह गया, बिल्कुल नेड़े आ उहदे मुहूर्त दे समय दे, और नाल ही जो संगत की रिहायश वास्ते सराह बन रही है उहदा कार्ज भी पूरी तेजी नाल चल रहा। और बटाला रोड जिहड़ा यूनिट नंबर 3 है जिहदी रजिस्ट्री हुण 20 जुलाई नूं होएगी, उत्थे भी बड़ी तेजी दे नाल सारे सेवावां दे कार्य शुरू हो चुके ने। हर पक्ष तों मैं आप जी की असीस ते बख्शीश की आस रखदा। मेरी बेनती है, भुल्यो ना 20 जुलाई नूं जो अद्धी पेमेंट रह गई है बटाला रोड वाली जगह की, वो रजिस्ट्री होएगी, अद्धी पेमेंट असी 20 जुलाई तक देनी है।
पूरा आप जी परिवारक मैंबर मोढ़े नाल मोढ़ा जोड़ के साथ भी दिओ, एक दूजे नूं प्रेरणा भी करो और इस भूमि दान दे विच वड्डे दान दे विच, क्योंकि यह वड्डा दान हुंदा भूमि दान, इस भूमि दान वड्डे दान दे विच अपना वध तों वध सहयोग भी दिओ। पूरी अकाउंट डिटेल तुहाडे टीवी स्क्रीन दे उत्ते चल रही है, आप जी स्क्रीनशॉट लै लो और अपनी सेवा इन्हां अकाउंटां दे विच आप जी पा सकते हो। और सेवा पाउण तों बाद आप जी सानूं हेठां दित्ते नंबरां दे उत्ते जो अपना मैसेज कर देना तां जो रसीद और सत्कार तुहाडे तक भेजिया जा सके। अपनी सेवा तुसीं सानूं गूगल पे, पेटीएम, फोन पे भी कर सकते हो 9815 99513 नंबर ते 9815089513 इस नंबर ते आप जी अपनी सेवा सानूं तुसीं फोन पे, गूगल पे और पेटीएम भी कर सकते हो। फिर मैं बेनती करना भुल्यो ना, 20 जुलाई तक पूरा जोर ला दिओ, जिन्ना जोर ला सकते हो, ता जो 113 यूनिट मैं कहना ये डबल ट्रिपल कम हो जाए, और होएगा उदों ही जदों तुसीं मोढ़े नाल मोढ़ा जोड़ के साथ दोगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। धन गुरु रामदास जी, धन बाबा दीप सिंह जी, सतसंग जी, आप जी के चरणों से बेनती। दास की तीसरी किताब प्रेरणादायक अनमोल बचन जो आप जी की खिदमत दे विच हाजर है, इस किताब दे विच तुहानू मोटीवेट करन वास्ते, तुहानू हलूणा देन वास्ते वखरे वखरे बचन ने। जिहड़ा भी इह किताब नू पढ़ रहा उहनू इदां दी फीलिंग आउंदी जिवें बाबा दीप सिंह जी अज साडे लई इह बचन कर रहे ने। इह किताब नू आप जी जरूर पढ़िओ भी और प्रचार हित वंडियो भी। अगली बेनती, जो ये नवी पेन ड्राइव आई है, इस पेन ड्राइव दे विच जो जपजी साहब, जाप साहब, तप प्रसाद सवैये इन्हां दी कथा कीती गई है, ये मेरी बेनती है एक एक अपने लई, एक एक गांव वंडन वास्ते जरूर मंगवायो। और तुहानू ये जान के खुशी होएगी, ये जो वाहिगुरु सिमरन दी चिप ये रसोई च ला लो, भावें अपने कमरियां च ला लो, 24 घंटे ये मिठी जी आवाज़ विच सिमरन चलता रहे, इदां दी फीलिंग आउण लग पैंदी, इहो जिहा औरा बन जांदा है कि बाबा दीप सिंह जी साडे उत्ते बख्शिशां कर रहे ने। यह सारिया चीज़ां आप जी अपने लई भी ते अगां प्रचार हित वंडन लई भी, किसी बच्चे का जन्मदिन है जां मैरिज एनिवर्सरी है उस संबंध दे विच वंडन लई भी मंगवाउण वास्ते स्क्रीन दे उत्ते जो नंबर चल रहे ने, इन्हां नंबरां दे उत्ते तुसीं संपर्क कर सकते हो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ओखे पगते नगीचे ये माला अपनी लीजे, पढ़ो पढ़ो। ओखे पगते नगीचे ये माला अपनी लीजे, ओ मंगो संग देना, मैं नहीं, बोलो
चढ़ती कला च हो सत श्री अकाल इशारा दिता है प्यारिया जेड़ियां चीजां दी भी लोड़ है ना अपने परमेश्वर कोलों तू मंग सकता है पर एक चीज दा ध्यान रखी एक चीज दा वो पता केड़ी चीज कि सारी जिंदगी दाता मंगदे ही ना लंघ जावे एक दिन जरूर आवे जदों दाते नूं भी मंगे आखो वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी ते जे कोई दुनियावी चीज मंगनी भी है ना लोभ ना होवे लोभ ना होवे मंग जायज होवे किसे दा बुरा ना होवे ते अंदर लोभ लालच ना होवे फिर गुरु सब तरह करके चोड़ियां भरदा है देखो कबीर जी लिस्ट उतार रहे लिस्ट खाट मंगो जो तेरा मेरा रिश्ता एहो जिहा रिश्ता मित्रताई वाला
दोस्ती वाला जे तू मैनू नहीं देता मैं आप मांगता मैनू दे कि मैं कह रहे आप न दे हो 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 तले वो मंगे हो मांगो संतन दे
बाद वीर की जे हिस्से च भैणा पंजा पंजा दी आवाज आवे सब चो अंतर जामी मूर्ख पिछाते अंतर जामी मूर्ख पिछाते अंतर जामी मूर्ख पिछाते अंतर जामी मूर्ख पिछाते अंतर शरदा हमारा कहना हम संतन स्यों पढ़े आई पूरब लिखे पाई ए मन तेरा पाई संतन स्यों मेरी लेवा देवी बोलो संतन स्यों संतन स्यों प्योहारा संतन स्यों हम लाहा खाटिया हर भगत परे पंडारा संतन मोको पूजी सौंपी बोलो जी संतन मोको पूजी सौंपी जदों दी मेरी यारी पै गई ना
ਅੱਖ ਬੰਦ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਖਲੋ ਗਿਆ ਉਹ ਪਿਆਰਿਆ ਤੇਰੇ ਲੇਖੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਬਿਨਾ ਪਾੜ ਦੇਣੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਂਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇਰੇ ਲੇਖੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਲੇਖੇ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਧਰਮਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮਜਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਲੇਖੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਧਰਮਰਾਏ ਅਬ ਕਹਾਂ ਕਰੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੰਗ ਸੰਤਨ ਰੇਨਾ ਮੈਂ ਸਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸੁਣਨੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਗੱਜ ਕੇ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਜਪੇ ਹੋ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਅੱਜ ਮੰਗ ਲਓ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਜਿੰਨਕੇ ਚੋਲੇ ਰੱਤਣੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿੰਨਕੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੋਲੋ ਧੰਨ ਭੈਣਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਇਸ ਨਾਮ ਚ ਜਿੰਨਕੇ ਚੋਲੇ ਰੱਤਣੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿੰਨਕੇ ਚੋਲੇ ਰੱਤਣੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿੰਨਕੇ ਚੋਲੇ ਰੱਤਣੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿੰਨਕੇ ਚੋਲੇ ਰੱਤਣੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿੰਨਕੇ ਭੁੱਲਣੀ ਨੀ ਵਾਰੀ ਗੱਜ ਕੇ ਉਹ ਜਿੰਨਕੇ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਜਿੰਨਕੇ ਚੋਲੇ ਰੱਤਣੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿੰਨਕੇ ਚੋਲੇ ਰੱਤਣੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿੰਨਕੇ ਚੋਲੇ ਰੱਤਣੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿੰਨਕੇ ਚੋਲੇ ਰੱਤਣੇ ਪਿਆਰੇ ਕਲਦ ਤਿਨਾ ਕੇ ਪਾਸ ਕਲਦ ਤਿਨਾ ਕੇ ਪਾਸ ਕਲਦ ਤਿਨਾ ਕੇ ਪਾਸ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ
शब्द अपन सारे ने हुने रल के पढ़िया हाँ मांगो संतन देना मैं ना ही किसी का देना हुण गल ध्यान नाल सुणियो मां पुरखां दी धूड़ी पता की हुंदी है जिहड़ी असीं हुणे मंग रहे सां ना हाँ मांगो संतन देना असलीयत दे विच किसे गुरसिख दी मां पुरख दी धूड़ी पता की है ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਕਿਧਰੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਹਰ ਧੂੜ ਦੇ ਹਮ ਪਾਪੀ ਭੀਗਤ ਪਾਏ ਪਰ ਇੱਕ ਧੂੜ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਧੂੜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਹੀ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਅਸੀਂ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਵਿੱਚ ਏਡੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਇੱਕ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਦਾ ਕਿਣਕਾ ਇੱਕ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਦਾ ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਕਾਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਜਕਾਰੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਕਾਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਹਰ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਮੌਸਮ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਬਦਲਾਂ ਚ ਜਕਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾ ਲਈ ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਨਾ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਆਖੋ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਣ ਅਸੀਂ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾ ਲਈਏ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪਰ ਇੱਕ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ
पापां नूं जिथे बख्शदी है तेरिया कुलां दा ते उधार हुंदा ही हुंदा है। तेरिया कुलां दे विच इहो जिहियां रूहां आ जाणगियां उस चरण धूड़ी दा सदका जिहड़ियां कई कई कुलां दा उधार करन वालियां बन जाणगियां। आखो वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी। आओ अज बाबा जस्सा सिंह जी रामगढ़िया उन्हां दे जीवन दे विचों एक दो चरण धूड़ी दे किणके लै लईए। फिर मैं पुछना इंदौर वाले हो चढ़दी कला च हो सासरी नाल किसे दा मन काला ते नहीं पै रहा ना। सासरी नाल क्योंकि जीवे मैं कल राती भी बेनती कीती सी जेडे प्यार वाले ने भावे चार चार घंटे लगे रही है गुरु जी की कृपा दे नाल कोई नहीं खिलदा। चार चार घंटे भी कीर्तन हुंदा है संगतां प्यार च आनंद विच जुड़ियां रहिंदियां। प्यार वालियां नूं भुखे भुख पता नहीं है समय हुण दुबारा कदों मिलने ने। आखो वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी। भुख लगी होई प्यार वालियां ने कीर्तन दी कथा दी सिमरन दी ते सारे इत्थे बैठे ही होने क्योंकि मीं विच आउणा सौखा नहीं। मौसम खराब होवे निकलदा ते ओहो ही है ओहो ही जिहदे अंदर अत दा प्रेम हुंदा है। इहो जे मौसम दे विच गुरु घर च आउंदा ओहो ही है जिहदे अंदर प्रेम है ते जां मैं इउं कहणा जिन्नू गुरु रामदास ने प्रेम दी खिच पा दित्ती है। बस इसे चढ़दी कला नाल बहना आपां सुणियो बाबा जस्सा सिंह जी रामगढ़िया एक दो चरण धूड़ी दे किणके उन्हां दे जीवन विचों आपां लईए। भाई हरदास जी सुर सिंह दे रहण वाले इह सुर सिंह ओह नगर है जिस नगर दे विच भाई बिधी चंद शीना गुरु का सीना गुरु हरगोबिंद पातशाह जी ने जिन्हां नूं वर दित्ते ने उस नगर दे रहण वाले भाई हरदास जी इन्हां दा पुत्तर है भाई भगवान जी। ये दोवें जाने आए ने धन गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी दे कोल आनंदपुर साहब की धरती ते। जदों आए महाराज पुछदे ने हरदास जी नूं बई तेरा नाम की है। आखो वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी। बेनती कीती जी मेरा नाम हरदास ते महाराज गुरु गोबिंद सिंह नूं अपना नाम दस के ना ते नाल ही इह गल कही महाराज कृपा करो आप जी मैनू अमृत दी दात दे के अपना सिंह बना लो। आखो धन गुरु रामदास जी धन गुरु रामदास जी। प्यार नाल आखो ने जी धन बाबा दीप सिंह जी मैनू अमृत दी दात दे के अपना सिंह बना लो। इन्हां ने धन गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी दे हत्थों अमृत छकिया। इन्हां ने भी ते इन्हां दे पुत्तर ने भी ए बन गए भाई हरदास सिंह जी ओ बन गए भाई भगवान सिंह जी। इत्थे मैं तुहानू एक बेनती करांगा सुणियो ध्यान नाल प्यारिओ। टीचर दे घर विच जन्म लै के कोई टीचर नहीं बनता जब तक पूरी पढ़ाई ना करे। सच्ची गल है ना। हुण मान लो कोई टीचर दा बच्चा कहे मैं भी टीचर बन गया नहीं हो सकता पढ़ाई करनी पएगी। जज दे घर जन्म लै के कोई जज नहीं लग जांदा। वकील दे घर जन्म लै के कोई वकील नहीं बनता। इंजीनियर दे घर जन्म लै के कोई इंजीनियर नहीं बनता जब तक कोई पूरी पढ़ाई ना करे। इसे तरह सिखां दे घर विच जन्म लै के कोई सिख नहीं बनता जब तक गुरु की मोहर ना लवावे। आखो वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी। सरदार मनजीत सिंह जी रिंकू वीर जी उपराला कीता सारी टीम ना रल मिलके मैं इन्हां दे चरणां च बेनती करांगा अगली बारी जदों यह उपराला करो दो गल्लां जरूर मन्ने एक अमृत संचार रखना है दूजा अमृत वेले का दिमाग भी रखना है। आखो वाहिगुरु जी अमृत वेला भी अमृत वेला भी अमृत संचार ये दो चीजा जरूर बेनती मन्ने और एडी वड्डी गिणती च मैनू पता है अमृत वेले दीआं संगतां भुखियां ने आशक ने आशक जिथे भी रखने जिन्हें तुसी बैठे हो ना इस तो कई कई गुणा ज्यादा संगत हुंदी है महाराज जी दी मेहर नाल।
अमृत वेला भी अमृत संचार भी। चलो जिन्ने प्राणी गुरु वाले बन जाए, निचोड़ निकले निचोड़, इन्ना खर्चा किया सानू बुलाया, टिकटा इन ओदा निचोड़ भी नाल निकले। अज मैं बड़ी खुशी है, निचोड़ निकलना है। बच्चिया ने जो दस्तारा सजाणिया है ना, यह वड्डा निचोड़ निकलना है अज के समागम का। वड्डी बख्शिश ते इतो भी वड्डी बख्शिश हो जाएगी जो अमृत वेला भी अमृत संचार भी होगा। तो खैर भाई हरदास ने अमृत छकिया बन गए भाई हरदास सिंह, भगवान जी ने अमृत छकिया बन गए भाई भगवान सिंह। उत्थे रह के गुरु गोबिंद सिंह साहब के चरणों के विच शस्त्र विद्या, शास्त्र विद्या गुरबाणी का अभ्यास, घोड़सवारी का अभ्यास करते हैं। एक दिन सतगुरु पता की कहिंदे गुरु गोबिंद सिंह जी हरदास सिंह नूं, कहिंदे तुसी इत्थे ही रहो, तुसी नहीं जाना, इत्थे रह के सेवावां निभाओ। ते महाराज मेरे पुत्र लई भगवान सिंह लई की आ गया, महाराज कहिंदे ओ अपने नगर चले जाण, अपने नगर चले जाण, समा आउण ते तेरे पुत्र भगवान सिंह कोलों भी सेवा लवांगे। आखो वाहिगुरु जी। मैं बाबा जसा सिंह रामगढ़िया की गल कर रहा, हुण समा लंघदा जा रहा। हरदास सिंह गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह दीयां जिहड़ियां जंगां होईयां ना बाई धार दे राजियां नाल जां मुगलां नाल, ओह जंगां दे विच वी हिस्सा लिया। ते इह जिहड़ा भगवान सिंह है ए आए ने अपने नगर दे विच सुर सिंह दे विच। ते उस तो बाद कुछ समय बाद प्यारे हो, क्योंकि ये गुणी बड़े सी, ज्ञान बड़ा सी, संगतां नू जोड़ना शुरू करता, ते संगतां इन्हां नू प्यार दे नाल ज्ञानी भगवान सिंह जी कहण लग पईआं। आखो वाहिगुरु जी। ते उधर हरदास सिंह जंग दे मैदान दे विच जूझदे बजवाड़े दे कोल जिहड़ी जंग होई उहदे विच प्यारिओ शहीदियां प्राप्त कीतियां। मैं बिल्कुल संखेप मात्र च बोल रहा हां क्योंकि समा अपने कोल हुण लिमिटेड जिहा रह गया। इधर भाई भगवान सिंह ज्ञानी भगवान सिंह जुड़दे भी ने ते जोड़दे भी ने। ते प्यारिओ इह फिर इक समा आया अपने नगर नूं छड्डिया लाहौर दे कोल ईचो गिल उस नगर दे विच आके वासा कीता। ते पंज पुत्रां ने इन्हां दे घर जन्म लिया। पहले वड्डे बाबा जस्सा सिंह जी रामगढ़िया, दूजे ने जय सिंह, तीजे खुशहाल सिंह, माली सिंह ते तारा सिंह। ये जस्सा सिंह सब तो वड्डे ने। ते भाई भगवान सिंह ना जस्सा सिंह नूं बचपन तो ही ना गुरबाणी दे नाल जोड़दे ने, गुरबाणी नाल। घर दे विच पोथी दा प्रकाश हुंदा है, पोथी दा। मेरी एक बेनती है, अज असी दुखी पता क्यों वा, टेंशनां विच क्यों वा, साढ़े घरां दे विच पोथी साहिब दा प्रकाश नहीं। प्रकाश यह नहीं कि गुरु पिता जी का प्रकाश करना है घर दे विच। हाँ जे जगह महाराज ने वड्डी दित्ती गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश करो, डट के सेवा कर सकते करो, जे नहीं कर सकते घर सेंची साहिब रखो, गुरबाणी दे सवेरे शाम नितनेम होण। अज असी परेशान क्यों हाँ कि साढ़े घरां दे विच्चों नितनेम खत्म हो गए ने, साढ़े घरां दे विच्चों गुरबाणी दा पहरा घट गया है। सच्चाई है पहले समयां दे विच सिखां दे घर कच्चे सी, पर बाणी नाल गुरु नाल प्रेम पक्का सी। अज साढ़े घर पक्के ने पर प्रेम कच्चा हो गया। क्यों वाहिगुरु जी। तां ही परेशानियां ने, तां ही टेंशनां ने, तां ही रोगां ने घेरे आ, तां ही बीमारियां ने घेरे आ, तां ही दुखां ने घेरे आ, तां ही करजियां ने घेरे आ। साढ़े घरां दे विच्चों आ गुरबाणी दा पहरा कट गया। अज ये पहली धूड़ी लैके जायो बाबा जस्सा सिंह रामगढ़िया दे जीवन दे विच्चों। पहली धूड़ी केड़ी धूड़ी? पिता ज्ञानी भगवान सिंह ने गुरबाणी नाल जोड़िया, गुरबाणी नाल। ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਚੈਨਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੱਲ ਜਾਵੇ, ਪਾਣੀ ਵੱਲ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਵੱਲ, ਇੱਧਰ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜਾਵੇ। ਮਾਫੀ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਕਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਪਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਾ ਜਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਕੋਲ ਹੱਥ ਵਿਖਾਉਣ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਈ ਦੱਸ ਮੇਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਭੋਲੇ ਹੋਲੇ ਹੋਲੇ
ਇਹ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਚਨ ਦਿਲ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੇ ਤੇ ਹੱਥ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਆਹ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਿਦਿਆ ਵਿਦਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਕੋਲ, ਦੱਸ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖੇ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹ ਰੱਖੇ ਜਿਹਦਾ ਪਿਓ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਲਿਖੇ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹ ਰੱਖੇ ਜਿਹਦਾ ਪਿਓ ਛੋਟਾ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਤੇ ਬਾਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖੇ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, 10 ਸਾਲ ਤੂੰ ਭੋਗਣਾ, ਉਹਦੀ ਮਿਹਰ ਜੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜੇ, ਉਹ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਉਹ 10 ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰ ਮੰਗੋ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਗੋ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਵਧਾਓ। ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜੇ, ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਜਾਵੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੱਲ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਆ ਨਗ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਰਿਵਾਜ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਫਲਾਣੇ ਨਗ ਦੀ ਮੁੰਦਰੀ ਪਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਫਲਾਣੇ ਨਗ ਦੀ ਪਾਓਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲੇਗਾ, ਫਲਾਣੇ ਨਗ ਦੀ ਪਾਓਗੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣੇ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹਦਾ ਨਿਚੋੜ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਐਡ ਕਰਨਗੇ ਫਲਾਣੇ ਨਗ ਦੀ ਪਾਓ, ਆਹ ਮੁੰਦਰੀ ਪਾਓ, ਬਰਕਤ ਪਏਗੀ। ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ 400 ਰੁਪਇਆ ਆਪ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਹੈਂਜੀ 1000 ਰੁਪਇਆ ਆਪ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਇੱਕ ਢੰਗ ਨੇ, ਪਤਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂ ਬਈ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਭ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੁੱਟ ਲਵੇ ਬੰਦਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਪਤਾ ਕੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚੋਂ ਡਿੱਗਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਨਾ ਘਰ ਦੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਨੇਮ ਨਾਲ ਜੋੜ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜ, ਬਈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਜੋੜਿਆ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਜੋੜਿਆ। ਉਹ ਜੇ ਜੋੜਨਾ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਜੇ ਜੋੜਨਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਜੇ ਜੋੜਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਜਿਸ ਜੁੜਨ ਦਾ ਸਦਕਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤ ਜਾਣੀ, ਤੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਚਿੱਠੇ ਤੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਪਾੜਨੇ ਹੀ ਪਾੜਨੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਅੱਖ ਭਰ ਕੇ ਵੀ ਤੱਕ ਲਏਗਾ ਨਾ, ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਚਿੱਠੇ ਪਾੜਨੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸੋ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਘਰ 'ਚ ਪੋਥੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਹ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਆਹ ਧੂੜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਨਿਤਨੇਮ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਬਾਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੁਗਲ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਛਕਦੇ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਛਕਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਇਜ਼ਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਧੂੜੀ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਨੀ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਲਾਣਿਆਂ ਦੀ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਣ ਲੈ ਲਓ, ਧੂੜੀ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਹੜੀ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ, ਸਭ ਦਾ। ਜਦ ਆਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਪਹਿਲੇ ਕਰਨਗੇ, ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਪਹਿਲੇ ਹੋਏਗਾ। ਆ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਮਿਟਡ ਜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਦੀ ਯਾਦ ਮਨਾਈ, ਇਹ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਈ ਸਫਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਏ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ।
प्यारेओ 20 तरीक आ रही और सारे गुरु रामदास जी के बाबा दीप सिंह जी के संगत रूपी परिवारक मैंबरों नूं पता है असी हर महीने की 20 तरीक न गुरद्वारा बीबी कौलां जी कौलसर साहिब श्री अमृतसर साहब जो कि दरबार साहब तो पैदल 2 मिनट का राह है बाबा अटल राय साहब के बिल्कुल नाल एक गुरद्वारा साहब बनया माँ कौलां जी का उस जगह पर हर महीने असी शुकराना समागम करते हैं। इस वारी का यह महीनावारी शुकराना समागम रात को तकरीबन 7 बजे तो लैके 9:30 बजे तक इस अस्थान पर होएगा और सारे परिवारक मैंबरों को बेनती है भावें अमृत वेले के समागम चल रहे हैं पर यह 20 तरीक के समागम में हाजरी भरन का नेम नहीं तोड़ना। जे तुसीं यह नेम तोड़ोगे फिर पूरियां हाजरियां नहीं जे लगनियां अमृत वेले दियां भी ये मेरी बेनती ये नेम भी बरकरार रखना और 20 तरीक नूं आके सारे परिवारक मैंबरां ने 6:30 बजे तक गुरु चरणां दे विच जुड़ जाना और जो पिता जी दियां खुशियां प्राप्त करनियां और 20 तरीक दा सब नूं पता है असी गुरु बाबा नानक जी ने जो 20 दा लंगर शुरू कीता उस नूं समर्पित करके समागम रखते हैं और जिहड़ा जिहड़ा भी प्यार नाल आके हाजरियां भरदा है बापू जी उहदे घरां दे विच लंगरां दी तोट नहीं रहण देंदे उहनूं दातां ही नहीं देंदे उहनूं दातां वंडण वाला बना देंदे ने। आओ भागां वालिओ 20 तरीक दे समागम दे विच सारियां संगतां हुम हुम आके पहुँचो पिता जी दीआं खुशियां प्राप्त करो। ये सारा समागम साडे यूट्यूब चैनल भाई अमनदीप सिंह जी ऑफिशियल चैनल दे उत्ते लाइव दिखाया जाएगा। वध तों वध इस सुनेहे नूं शेयर कर दिओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन गुरु रामदास जी धन बाबा दीप सिंह जी गुरु रामदास जी के बाबा दीप सिंह जी के सारे परिवारक मैंबरों संगत रूपी परिवारक मैंबरों जो तुसी रोजाना जुड़ते हो दुपहरी 3 से 4 भी और राती 10 से 11 भी पीटी सी सिमरन के माध्यम राही मैं सारे परिवारक मैंबरों को बेनती करांगा जो सेवावां के कारज बाबा दीप सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट वालों चल रहे हैं सब नूं पता है किवें दाताबंदी छोड़ पब्लिक स्कूल चल रहा दोवें तरह की पढ़ाई बाबा दीप सिंह हैल्थ केयर चैरिटेबल हस्पताल चल रहा है पिता जी की मेहर नाल गुरु बाबा नानक जी की रसोई गुरु बाबा नानक जी की चलती फिरती रसोई चल रही बाबा दीप सिंह जी फ्री टिफिन सेवा जिदे राही बजुर्गों जो प्रशादा 2 वेले का उन्होंने घर पैक करके टिफिन के पहुँचाया जाता है। इस तों इलावा बाबा दीप सिंह जी गुरमत ज्ञान संगीत अकैडमी विधवा बीबियां फ्री राशन देन की सेवा बेअंत कार चल रहे नवी जगह की उसारी चल रही जिथे जी दया प्रवान पार्क बनना है पंछियों नूं दाणा पाउण लई खाणा पाउण लई बीमार पंछियों के इलाज का हस्पताल भी और सरां भी गुरद्वारा साहब की उसारी तीसरा यूनिट जिहड़ा बटाला रोड के उत्ते उत्थे भी उसारी जिथे स्कूल और हस्पताल बनना उत्थे भी उसारी के कार्य शुरू हो चुके हैं। मैं जिहड़ी तुहानूं बेनती करन लगा कि कई साढ़े इहो जिहे प्रेमी ने जिहड़े कहिंदे जी सानूं पंथ दे नाल बड़ा ही दर्द है जिहड़े पंथ प्रति दर्द रखते हो ना मेरी तुहाडे चरणां च बेनती जे तुसीं चाहुंदे हो तुहाडे इलाके च वी इदां सेवावां दे कारज शुरू होण तुहाडे कोल कोई जगह है भावें 100 गज जगह है 200 गज जगह है 500 गज जगह है वड्डी जगह है आप जी ट्रस्ट नूं उह जगह गुरु साहिब जी की कृपा दे नाल ट्रस्ट दे नाम तुसीं करवाउणी है तो उस जगह दे उत्ते सेवावां दे कारज शुरू करना फिर ट्रस्ट की जिम्मेवारी बन जाएगी। जिन्नी जगह होएगी उस मुताबक सेवावां शुरू हो जाएगी छोटी जगह होएगी उत्थे गुरु बाबा नानक जी की रसोई चल सकती है कीर्तन सिखलाई चल सकती है होर कई कारज इदां दे चल सकते हैं कंप्यूटर सिखलाई चल सकती गरीब बच्चियां दी वड्डी जगह होएगी उत्थे स्कूल हस्पताल भी बन सकता है। ये हुण तुसीं वेखणा कल्ले गल्लां दे नाल असीं पंथ दर्दी ना बणीए तुहाडे कोल कोई भी जमीन है आप जी ने ट्रस्ट दे नाम करवाउणी और फिर अगों तुहाडे ट्रस्ट दी ड्यूटी है उत्थे इह सेवावां दे कारज शुरू करन दी क्योंकि इलाकियां दे विच साढ़े गुरद्वारा साहब बहुत ने और बनने भी चाहिए ने आलीशान गुरद्वारे बनने चाहिए ने आलीशान जिथे संगतां बैठन गुरु की गोद दे विच कथा कहानियां सुनन करन तुहाडा दिल ये नहीं करदा नाल नाल जिथे गुरद्वारा साहब बने उत्थे इहो जिहा स्कूल भी खुले जिथे बच्चे गुरमत की सिक्ख्या लैन दुनियावी सिक्ख्या लैन और ये सिक्ख्या लैण तो बाद घर घर दे विच ही गुरु घर बना दे। ये मेरी बेनती है भाई जे तुहाडा सचमुच दिल करदा है ना कि तुहाडे पिंड विच्चों तुहाडे शहर विच्चों नशियां दा कोड़ मिट जावे बच्चे गुरमत नाल भी जुड़न और दुनियावी पढ़ाई नाल क्योंकि ये महापुरखां दा बचन है तुसीं किसी नूं एक वेले लंगर छका दोगे ना उहदा पेट भरेगा तुहानूं असीस देवेगा उह चलो ये भी परउपकार दे कम ने पर प्यारिओ क्यों ना होवे असी इहो जिहा सिस्टम बनाईए लंगर भी छकाईए
ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਲੰਗਰ ਛਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹਦਾ ਬਣਾ ਦਈਏ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੇ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਵੇ, ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਜੋਗਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਜੋਗਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਜੋਗਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਆਓ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਪਈ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਿਓ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਸ ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸੋਹਣਾ ਪੰਜਾਬ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਪੰਜਾਬ, ਉਹਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ। ਦਾਸ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਕਿਤਾਬ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਅਨਮੋਲ ਬਚਨ ਜੋ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਓ ਵੀ ਔਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹਿੱਤ ਵੰਡਿਓ ਵੀ। ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ, ਜੋ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ, ਤਪ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਵਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਗਾਂ ਵੰਡਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗਵਾਇਓ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਚਿੱਪ, ਇਹ ਰਸੋਈ 'ਚ ਲਾ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਲਾ ਲਓ, 24 ਘੰਟੇ ਇਹ ਮਿੱਠੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਔਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹਿੱਤ ਵੰਡਣ ਲਈ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਰਿਜ ਐਨਵਰਸਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਲਈ ਵੀ ਮੰਗਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਆਪ ਸਵਰੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਵਾਰੋ, ਸਮਾਜ ਆਪੇ ਹੀ ਸਵਰ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਜੀ 7274000061 ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਵਟਸਐਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹ ਨੰਬਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ।